आज के समय लड़की नहीं देती है ना उतना, आजकल नीतीश कुमार दे रहे हैं है उनके लिए। खिड़की से आ जाएंगे, खिड़की से आ जाएंगे। हाँ, वो तो उनके पास इतना कैपेसिटी है ना कि 5 साल में 5 बार शपथ ग्रहण करेंगे। 5 लोगों से जानेंगे कि नीतीश कुमार क्या सही किए हैं या गलत किए हैं। क्या नीतीश कुमार जो पलटी मारे हैं सही किए हैं या गलत किए हैं? नीतीश कुमार पलटी मारे हैं सही किए हैं गलत किए हैं? देखिए, उनके लिए सही गलत कुछ नहीं है, उनका बस कुर्सी बसना रहना चाहिए, ठीक है? उनको कुर्सी से प्रेम है। बिल्कुल, उनको कुर्सी से प्रेम है। जितना धोखा आज के समय लड़की नहीं देती है ना उतना आजकल नीतीश कुमार दे रहे हैं एक दूसरे को, समझे? अरे बड़ी बात कर रहे हैं, क्या बात है, क्या नीतीश कुमार से क्या नाराजगी है आपको? नीतीश कुमार से नाराजगी यही है कि किसी एक पक्ष में रखे, अच्छे से विकास का काम करें, बिहार राज्य के लिए काम करें। बीजेपी तो बीजेपी के साथ गए, अब फिर राम को बिहार में ले आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। उनके रोजगार देने साथ रोजगार देना रहता तो अभी तक कितने बिहार के इतने युवा बेरोजगार नहीं घूमते। आज जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग से इंटरव्यू नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग बेरोजगार हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो बेरोजगार हैं, जब तक ऐसे घूम रहे हैं तब तक बेरोजगार हैं। अभी तो कुछ नहीं किया तो उसका सरकार ही कहाँ बना? अरे 16 महीना सरकार था, नीतीश कुमार के उपकार से ना था, नीतीश कुमार के उपकार से था। हाँ, लेकिन मास्टर के वैकेंसी आया था, जान रहे हैं बिहार में? बिल्कुल आया हुआ था। क्या जो बीएड ये किया हुआ था ना उसका निकला हुआ था, तो 4 लाख मिला है उन लोगों को जॉब, क्या कहिएगा? वो तेजस्वी वो दिया था कि नीतीश दिया था? देखिए, ये चुनावी सरगर्मी से आया हुआ था। अच्छा, ना तेजस्वी का देन है ना नीतीश कुमार का देन है। अच्छा, वो चुनाव का माहौल बनाने के लिए है ना ये लोग दिए हुए थे। अच्छा, फिर 5 साल बाद जाके कहीं आराम कर लेंगे, कोई नहीं मिलेगा, फिर कान में तेल डाल के सो जाएंगे लोग, उन्हें कुछ फूंक फाक के सो जाएंगे लोग। चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। हाँ, अच्छी बात है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिहार में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर देखिए देखिए, एक मिनट, यूथ अगर कोई भी चीज़ को लीड करता है ना तो यकीनन वो चीज़ बहुत आगे तक जाती है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी क्या बोले थे कि आप हमको 100 यूथ दीजिए, हम देश का तकदीर बदल देंगे। तो अभी तक उनके कोई सिद्धांत पर कोई काम करता है नहीं, अपना कुर्सी बसना रहना चाहिए। सम्राट चौधरी बोले थे कि अगर नीतीश कुमार को हमेशा के लिए, और अमित शाह बोले थे कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद है, फिर भी खोल दिए, क्या कहिए? खिड़की खुला है ना उनके लिए, खिड़की से आ जाएंगे। खिड़की से आ जाएंगे? हाँ, वो तो सजनी है ना, रात में नहीं आएंगे, दिन में नहीं आएंगे तो रात में आएंगे नीतीश कुमार। अरे बड़ी बात कर रहे हैं, और लोग हैं इनसे जानेंगे। क्या भैया, नीतीश कुमार पलटी मार दिए क्या? उनकी क्या संज्ञा दीजिएगा? अगर बिहार में सबसे अधिक बार सरकार बनाने वाले हैं तो वह नीतीश कुमार है। देखिए, हम यही कहेंगे कि जो नीतीश कुमार हैं अभी अपनी जो मतलब राजनीतिक सत्ता है उसके लिए फायदा तो उठा ही रहे हैं। हालांकि अपने समय में काम किए हैं, ये चीज़ नहीं बोला जा सकता कि काम नहीं किए हैं। और रही बात अपना राजनीतिक लाभ, उसके लिए अपना सत्ता बदलते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है या सही बात है? देखिए, जब तक पूरा बिहार शिक्षित नहीं होगा तब तक किसी एक पार्टी को अभी मेजोरिटी मिलने वाली है नहीं। अच्छा, तब तक यही सरकार बनेगी किसी के साथ जोड़ के, कभी किसी के साथ कभी किसी का। क्वेश्चन था कि जब भी गठबंधन की सरकार होती है वो ढीली होती है, बिल्कुल क्या कहिएगा इसमें? देखिए, गठबंधन की सरकार मजबूरी की सरकार होती है, क्योंकि जब आपको मिनिमम नंबर चाहिए होता है, विधानसभा में चाहिए होता है, वो आप मिल के बनाते हैं किसी के, तो सारा किसी को आपको लेके चलना होता है, दूसरे पार्टी का भी मत लेके चलना पड़ता है, अपना प्रॉपर एजेंडा आप रख नहीं पाते हैं जनता के बीच, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, मिलजुल के आप चलाते हैं। सम्राट चौधरी बोले थे कि मैं जब नीतीश कुमार को समाप्त करूंगा, अपना सरकार बनाएंगे, तो तब पगड़ी उतरेगा, लेकिन अब आज उनका पगड़ी उतरा नहीं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बात यही है कि अभी जो चुनावी समय है, ठीक है, और ये जो रणनीति तय हो रही है वो केंद्र से हो रही है। अच्छा, क्योंकि अभी आने वाले हैं लोकसभा चुनाव है, उसी के मद्देनजर रखते हुए सारा चीज चल रहा है। वैसा कुछ नहीं है कि मतलब बिहार के लिए चल रहा है, ये केंद्र की राजनीति से उत्पन्न है बस। अच्छा, केंद्र के। और लोगों से जानेंगे क्या? अरे बहुत काफी खुश है, क्या बात है, नीतीश कुमार पलटी मार दिए इसलिए खुश है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखिए इनसे पूछिए पहले। अरे आप भी तो पढ़े लिखे हैं, बोल सकते हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मार दिए पलटी, तो क्या खुश है या नहीं? नहीं, देखिए कोई भी पार्टी हो सही से एक पार्टी में रहना चाहिए, ठीक है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रहना ही रहना चाहिए, ऐसे भी एक पार्टी में रहकर विकास करे ठीक रहता है ऐसे। आपके साथी बोल रहे हैं कि जितना लड़की नहीं बदलता है बॉयफ्रेंड उतना नीतीश कुमार बदलता है। बात सही है, सही बात बोले हैं, अच्छा बात बोले हैं, अच्छा बात बोले हैं। उनके पास इतना कैपेसिटी है ना कि 5 साल में 5 बार शपथ ग्रहण करेंगे, 5 बार त्याग पत्र देंगे नीतीश कुमार, इतना है उनके पास। अरे आप एक युवक है समझ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग नहीं समझ रहा है, बिहार के लोग समझ रहा है कि नीतीश कुमार ठीक है, टीका? आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक नहीं है? टीका नहीं है, यही तो है कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे ना, अभी एक आदमी बताया ना कि सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा। अच्छा, और शिक्षा सही कर दीजिएगा ना, उसको लोग खुद पता हो जाएगा कि हाँ हमको कौन सी सरकार चाहिए और कैसी सरकार चाहिए।
मतलब यानी अपने अधिकार के लिए वह उत्सुक हो जाएगा कि हाँ, 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 अपना अपना राइट पहचानने लगेगा, अपना अधिकार पहचानने लगेगा। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा ही सबसे मेन। आप कहे नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार जी कुछ आपको दे दिए हैं क्या? ना, हमको काछी देंगे। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम लोग का मिलेगा? जितना माझी से नाराज चल रहे हैं हमारे भाई साहब। काहे जितना माझी नहीं, हम काहे नाराज चलेंगे भाई किसी से? हम लोग काछी लगते हैं वो सब, माने कुछ लगते हैं क्या? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं के नीतीश कुमार। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं? गिरगिट भी शर्मा जाएगा उनका रंग देख करके। अरे बड़ी बात कर रहे हैं क्या है? नीतीश कुमार से क्या नाराजगी है बताइए? नौवीं बार शपथ ले रहे हैं। अरे इतिहास रच दिया नीतीश कुमार, उनके नाम पर सबसे ज्यादा चुटकुला बन रहा है अभी अभी। हाँ, ये जो है इतना पलटी मारे हैं कि भारत के इतिहास में कोई भी राजनेता अभी तक इतना पलटी नहीं मारा होगा जितना नीतीश कुमार ने मारा। इतिहास में जितना पलटी गिरगिट ने नहीं मारा होगा, लोगों ने बिस्तर पे नहीं मारा होगा, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार ने मारा है, यह लोगों का कहना है। और हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ।